स्वेटर, ये रहा आपका स्वेटर। जाने के लिए देखिए कितना उत्सुक है। बस बस हम भी चलेंगे। चना और डो के लिए ब्रेड और गुनिया। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। शाम का समय है और इस समय रुबी कुछ कपड़े को सरिया रहे हैं। ये कुछ कपड़े इसमें सरियाए हुए हैं और इधर साइड में सब अभी सरिया सरिया के रख रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो अभी हमें कहीं निकलना है अचानक से और उसके लिए हमें सारी तैयारियां भी करनी है और समझ भी नहीं आ रहा है। अचानक से हमें फोन आया और हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। आप सब तो जानते हैं कि हम यहाँ पे अकेले कैसे संभव हो सकता है, और छठ पूजा इतना बड़ा महान पर्व है, इसलिए हम सारा पैकिंग करना शुरू कर दिए हैं। और शाम हो गई, तुम शाम को तो कहीं निकल नहीं सकते हैं, तो हमें रात भर का इंतजार करना होगा। तब तक सोचे क्यों ना धीरे धीरे सारी तैयारियां कर लेते हैं हम लोग। तो ये कुछ कपड़े मोड़ दिए हैं, इधर भी सब कुछ डू का कपड़ा है, और यहाँ पर कुछ हम लोग के लिए और सभी के लिए अरेंज किया हुआ है। और बस डूगू का भी शाम को जो है ना खेलने वाला काम हो रहा है। और हाँ दोस्तों, और कहीं जाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि हमें जाना है कहाँ? आपके ससुराल। पता रूबी को मायके जाना है, मैं ये कहना चाहता हूँ, सीधा इसकी बात में है। तो इसके लिए सारी तैयारियां भी कर लिए हैं, और उनका कहना है कि आप लोग अकेले वहाँ पर क्या कर पाएंगे और दिक्कत भी होगा, इससे पर यहाँ पर आइए हम लोग सब मिलकर करेंगे तो आसान भी हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ज्यादा देर नहीं किए हुए सारा सामान को सरिया ले रहे हैं, जो जो जरूरत का। अचानक ही प्लान बन गया जाने के लिए, और उसके बाद गर्म कपड़े भी रखना है, डो के लिए बहुत सारे कपड़े रखना है, और हम ज्यादा दिन वहाँ पे तो रुक नहीं पाएंगे। बस कुछ दिन ही रुकेंगे, फिर रिटर्न आ जाएंगे। अब ये देखिए, हम कपड़ा सरियाए फिर डुगू को संभालें, इनका तो काम अलग बढ़ जाता है। और रही बात खाने की, तो आप थोड़ा लेट से खाना खाइएगा, क्योंकि भी तो टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, और आज जो खाएंगे इसके बाद कल तो फास्टिंग ही पूरा रहेगा, शाम को जो होगा से हाँ, दिन भर को कार्यक्रम रहेगा पूरा एकदम, मतलब कि जल अन्न सब कुछ जो है मतलब कि नहीं लगाना पड़ता है, खाना पड़ता है। शाम को खीर भोजन में खा सकते हैं, जो भी फल दूध जो भी खाना होगा आपको उस समय ना, अभी कुछ नहीं। फिर हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं अभी 4:30, और हम लोग 4 बजे उठे थे और थोड़ा सा लेट हो गया है। हम लोग का स्वेटर नहीं मिल रहा था, और इस ठंडी में बिना स्वेटर कहीं जा नहीं सकते हैं। ट्रेन को मिल गया, बोरा में था। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो बोरा में रखे हुए थे और हम लोग सब जगह खोज रहे थे, कहाँ मिलेगा मेरा स्वेटर? ये रहा आपका स्वेटर, बताइए। और सब जगह हम लोग खोज खोज के परेशान है, कहाँ है कहाँ है, और पिछला बार धो के ना बस ऐसे ही बोरा में डाल दिए। कुछ नहीं, ऊपर का दाग होगा हो जाएगा, रखा हुआ था इसलिए बरसात का नमी थोड़ा सा गया होगा। और अभी तक ना डुगू सोए हुए हैं, उठे नहीं हैं। दोस्तों डुगू जो है तैयार हो गए हैं जाने के लिए, देखिए कितना उत्सुक है। बस बस हम भी चलेंगे, और ये नया वाला चप्पल पहन लिए हैं, और इधर रूबी भी साल नया वाला ओढ़ के निकलेंगे, ठंड लगेगी ना। और हमारे पास ज्यादा कैरी बैग नहीं है, एक ये वाला और एक मेरा ये बैग, बस दो ही बैग हमारे पास है। और बेड को अच्छी तरह सब मोड़ दिए हैं, और ये ऐसे बस रहा, टाइम लेट हो रहा है का। अभी देखिए कितना अंधेला है, और बाहर निकल गए, थैला ही बाहर आ गया हमारा, अब लेट नहीं करना है। दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं, और बस का वेट कर रहे हैं, थोड़ा देर में आएगी। ये बस लगा हुआ है, लेकिन अभी ये दूसरा जगह जाने वाला है और थोड़ा सा उसके पीछे जाएगा, तो ज़्यादा देर नहीं है, 10 मिनट का टाइम है, इसके बाद में आ ही जाएगा। हाँ दे देना बाबू को कभी झोला, झोला तो यही रखे हुए हैं। अरे डूबो ना, उठते उठते तैयार हो, उनको पता है कि हम नानी के घर जा रहे हैं, इसीलिए। दोस्तों बस में डू का चल रहा है बिस्किट, इनका तो तबीयत खराब हो गया, उल्टी होने लगा, पता नहीं बहुत खराब आ रहे थे उल्टी होने का, इनका तो ऐसे है। आप कुछ नहीं खाएंगे, पानी पिया दीजिए। दोस्तों बस हम लोग पहुँचने वाले हैं, बस में काफी ज्यादा भीड़ है, बड़े भीड़ है, और इनको भी जम्हाई आ रही है।
आज ना सोनू आ गए पहले रिसीव करने के लिए, और बहुत रोड भी जाम है आज। हम लोग आज पहले ही उतर गए, इसी स्कूटी लेके आ गए। डुगू आ गया घर में और गीनी काफी ज्यादा खुश हो गई। चलिए डुगू, चलिए डुगू को अंजान लग रहा है, कहाँ आ गए? पहचान रहा आपको सोनू? नहीं पहचान रहा है अभी। ले 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 ले। अब देखिए किसी को पहचान नहीं रहे डुगू। मिलिए गिनी से, काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं। हेलो तो बोलिए कम से कम गिनी। हाय हेलो कुछ नहीं गिनी ना, अब हाय हेलो कुछ नहीं करते हैं। बोलिए हेलो, बोलिए हम गिनी। क्या हो गिनी, सो रहे थे क्या? ओ नहीं आ रहा था आपको? अब आपको आराम, कुछ चैन मिला? मम्मी पकड़ ली डुगू को। और डुगू ना चिपक गए जाके मम्मी के पास। अभी जा रहे हम पहना। और ये नया प्लाजो पहने, प्लाजो है ना? यहाँ पर तो आराम है इनको, जहाँ पाए वहीं बेसिन में। हाँ तो मायका में तो आराम मिलता ही नहीं है। डुगू का सेवा होने लगा, भूख भी लग गया इनको। नानी को पहचान है डुगू? हाँ दोस्तों, रूबी को ना भूख लग गई और ये खाना खाने के लिए भी लग गए। खाना में ढेर सारा आइटम है, दाल है, चावल है, और ये मूली का भुजिया, आलू गोभी की भुजिया और चना साग। और इधर भैया बैठे हुए हैं, तो अभी दुकान से आए हम लोग, चलते अभी खाना लेट से भी खा रहे हैं। दीदी इधर भिड़ी हुई है और दीदी बस सामान को अरेंज करने में लगे हुए हैं। हेलो क्या बोल रहे थे? अभी जीजा जी आने वाले हैं, जीजा जी और बाबू। डुगू के यहाँ राज है, मोबाइल मिल गया है, दोनों मिलकर अभी गेम खेल रहे हैं, बबल्स गेम खेलते हैं ये। बाबू भी आ गए, गिनी के बड़ा भैया। हेलो बोलो। हेलो गाइस। और डुगू को ना अभी यहाँ पर पैंट गीला कर दिए, अब इनको मजे मजे हैं। पर्दा मत छुए, मामू का कमरा है। आप इधर क्या कर रही हैं? क्या लेके आए मुनू? क्या लेके आए? गिनी को क्या मिल गया? और ये देखिए महिला सारू आ गए, और यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मुनू क्या क्या लाए हैं, निकालिए। आप अपना तो पहले निकालिए। क्या किया है बोल के बताइए। कि और गिनी के लिए क्या आया है? गिनी के लिए चना आया है। चना। और डुगू के लिए? डुगू के लिए ब्रेड और बुंदिया आया है। ब्रेड और बुंदिया खाएगा डुगू? गिनी का तो बस मिल गया खाने के लिए। गिनी देखिए खिला रही है डुगू को, लेकिन डुगू नहीं खा रहे हैं। डुगू खा लीजिए, गिनी दी दे रहे हैं, नहीं खाने वाले हैं। रूबी ना आते आते सब कपड़ा फेंच के सुखा भी दिए। नहीं नहीं मम्मी का है, सब मोड़ दे रहे हैं। गिनी ना सबको खिलाने में बिजी, पापा को भी खिला रहे हैं। वो नहीं खाएगा, खा लो डुगू, खा लो, खाएंगे। इनको झाल मुरही पसंद आ रहा है अभी, और एक
गिनी के हाथ से नहीं खाए, मौसा जी के हाथ से भी खा रहे हैं। मेरा भी हाथ से नहीं खाया। कैसे चुन रहे हैं वैसे? मुंह में खा खा के ना सब लगा रहे हैं। ये क्या लट्ठू खा रहे हैं? ये लट्ठू, लट्ठू को क्या बोले, धजिया उड़ा दिए। हम तो पहली बार नाम सुन रहे हैं। दोस्तों आप सभी कंफ्यूज होंगे कि आखिर छठ कौन कर रहा है, क्योंकि रूबी आते ही खाना खा लिए, तो छठ हम कर रहे हैं, रूबी नहीं कर रहे हैं छठ। तो दोस्तों इतना बड़ा छठ पर्व है, सबसे पहले तो हम माफी मांगना चाहेंगे और हम प्रणाम भी करते हैं छठ भाई को, क्योंकि इस वर्ष हम नहीं कर पाए, कुछ रीजन था। लेकिन डू के पापा कर रहे हैं, तो आप सब इनवाइट है हमारे खीर भोजन में, और हमारा मायका में ही डू के पापा कर रहे हैं, और यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आई होप दोस्तों आज का यह व्लॉग आपको पसंद आया होगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें। फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।